और एक निवेदन आप लोगों से भी है, दी जा रही है अच्छे तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना उसका दान अवश्य करना, कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। तीन चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे, पर दान करना सत्तू का जरूर। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं इस दिन किया गया दान धर्म पुण्य कई गुना बढ़कर के मिलता है और अक्षय फल की प्राप्ति देता है, यानी कि कभी उसका क्षय नहीं होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दान जो बताया है गुरुदेव ने वह है सत्तू का दान। इस दान को करने मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सर्व कामना हमारी सिद्ध होती है, संपन्न होती है। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसे ही सत्तू का दान अवश्य करें, चाहे एक चुटकी करें पर सत्तू का दान जरूर करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। महाकाल बाबा सबकी कामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए उपायों के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।